बुधवार को लोनी में चेकिंग के दौरान बंथला चिरोड़ी पर बाइक सवार बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग कर वापस मुड़कर भागने का प्रयास करने लगा। जवाबी कार्यवाही में पुलिस की गोली पैर में लगने से वह मौके पर ही बाइक सहित गिर पड़ा। पुलिस ने उसे दबोच कर पूछताछ की तो उसने अपना नाम शाहिद बताया। आरोपी के कब्जे से तमंचा, 3 कारतूस और बाइक बरामद की गई है। पुलिस ने उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है। इस पर लोनी थाना प्रभारी अजय चौधरी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। थाना लोनी क्षेत्र के अंतर्गत बंथला चिरोड़ी मार्ग पर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी, उसी दौरान एक काले रंग की मोटरसाइकिल पर संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए और काफ़ी तेज़ी से मोटरसाइकिल मुड़ा करके भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने अपने साहस का परिचय देते हुए घेराबंदी किया और घेराबंदी करके बदमाश को गिरफ्तार करने हेतु ललकारा। उसने पुलिस टीम पर पुनः फायरिंग किया। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की जिसमें कि बदमाश घायल हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम शाहिद पुत्र मेहर इलाही निठौरा रोड अहमदनगर का रहना बताया है। उसके जो प्रारंभिक इतिहास के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई है तो 1 दर्जन से अधिक बागपत, लोनी, गाजियाबाद और दिल्ली में गोकसी जैसे गंभीर अपराध उसके ऊपर पंजीकृत हैं और थाना लोनी में 2 मुकदमों में वो वांछित भी चल रहा था। उसको चिकित्सा हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो ये थी लोनी से हमारे संवाददाता प्रमोद गर्ग की रिपोर्ट। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए टुडे जुनून के साथ।